नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप अपने मोबाइल से दोस्तों जो है इस तरीका का दोस्तों पोस्टर कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आज बुध पूर्णिमा और बुध पूर्णिमा का पोस्टर आप भी अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आप सभी क्षेत्रवासियों को और यहाँ आप अपना इमेज लगा सकते हैं, आप अपना नेम लिख सकते हैं और इस साइड में आप अपना मोबाइल नंबर या सोशल मीडिया नेम लिख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप मोबाइल से कोई भी पोस्टर नहीं बनाए, फिर भी इस पोस्टर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इस तरीका से पोस्टर एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना, इस चैनल पर अगले मंथ से यानी कि दोस्तों इस महीने के बाद अगले मंथ से फ्री प्रमोशन होने वाला है। अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और दोस्तों अगर आप भी अपना चैनल फ्री में प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और पिक्सल लैब एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जैसा कि अभी आप यहां पर देख रहे हैं पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं, तो इसे ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको न्यू टेक्स्ट हटाने के लिए डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीका का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे पीछे की तरफ स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह का बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह का बैकग्राउंड दोस्तों आपको कैसे आएगा इसके लिए मैं वीडियो में आगे बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह का बैकग्राउंड आने के बाद आपको सही टिक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सही टिक पे क्लिक करते इस तरीका से आ जाता है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना आप सभी क्षेत्रवासियों को। दोस्तों ये हम पहले से इस वजह से एडिट कर दिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम न लगे। उसके बाद दोस्तों ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आना है, उसके बाद एडिट पर क्लिक कर देना है। जैसे एडिट पर क्लिक करते इसे बैक स्पेस से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है आप सभी क्षेत्रवासियों को। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीका से लिखने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद इसे पीछे की तरफ स्क्रॉल करना और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद सही टिक पे क्लिक कर देना है। पीछे की तरफ फिर से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ फ्रंट वाले ऑप्शन पर जाना है। फ्रंट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद माय फ्रंट में चले जाना। माय फ्रंट में जाने के बाद दोस्तों आप जो भी फ्रंट सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से वो फ्रंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इस फ्रंट को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर देना है। तो चलिए हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। आपको भी अपने तरीका से इसे एडजस्ट कर लेना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं हम इसे एडजस्ट कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर फिर से पीछे की तरफ स्क्रॉल करना है, उसके बाद स्ट्रोक का ऑप्शन आएगा, स्ट्रोक पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से सही टिक पे क्लिक करना है, उसके बाद सेट शो पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद इसे भी इनेबल करके यहाँ भी आपको व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीका से आपको हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सही टिक पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ अपना इमेज लगाने के लिए फिर से आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद इस तरीका से आपको एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इस तरह का इमेज आप कैसे अपने मोबाइल से पीएनजी फोटो बनाइएगा इसके लिए मैं पहले से ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हूं। अगर आपको पीएनजी बनाने नहीं आता है तो आप जाकर के उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद आप भी बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से इस तरीका से पीएनजी फोटो बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस तरीका से इसे क्रॉप कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आपको सही टिक कर देना, फिर से इमेज पर एक बार क्लिक करना, इसे थोड़ा यहाँ से बड़ा कर देना। बड़ा करने के बाद दोस्तों इसे सही तरीका से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं हम इसे इस तरीका से एडजस्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देखिए दोस्तों हम इसे एडजस्ट कर चुके हैं। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अपना नेम लिखना है। तो चलिए हम अपना नेम लिखने के लिए आपको फिर से यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एडिट पे चले जाना। एडिट पे जाने के बाद इसे बैक स्पेस से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर आपका जो भी नेम है वो नेम यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर फिलहाल लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नेम लिखने के बाद फिर से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आना है। नीचे की तरफ लाने के बाद आपको यहाँ पर कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद सही टिक कर देना है, फिर पीछे की तरफ स्क्रॉल करना है, फ्रंट पे क्लिक करना है। फ्रंट पे क्लिक करने के बाद माय फ्रंट पे जाना है। माय फ्रंट पे जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से एक अच्छा सा फ्रंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं
हमें एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस नेम को आपको एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हम यहाँ पर एडजस्ट कर चुके हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से सिंपली करना क्या, इसे पीछे की तरफ यहाँ से स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा, कॉपी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे भी ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आना है, एडिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे भी यहाँ से रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करने के बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर नोट कर देना है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर नोट कर देते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हम यहाँ पर पूरा नंबर अपना नहीं शो करवाए हैं। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद इस नंबर को भी सही तरीका से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, जितना स्पेस है आपको उस तरीका से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद अब आपको इसे गैलरी में सेव करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ इमेज फॉर्मेट में आपको PNG है तो ऑलरेडी रहने देना, अगर नहीं है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ इमेज क्वालिटी में सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरी हाई कर देना, उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना। और इस तरीका से आप बुद्ध पूर्णिमा का पोस्टर बना सकते हैं। दोस्तों इसका बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर के वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों फ्री प्रमोशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्री प्रमोशन टेलीग्राम पर ही होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।